हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 में सेक्शन 39 को। तो सेक्शन 39 बताती है वॉलंटेरिली, हिंदी में कहेंगे स्वेच्छा पूर्वक, वॉलेंटरी या स्वेच्छा पूर्वक मतलब अपनी इच्छा से किया हुआ कार्य किसे कहेंगे, अपनी इच्छा से किया हुआ किसे कहेंगे। तो इसको इसके लिए हम दो चीजें देखेंगे। आप एक बार अपनी बेयर एक्ट से वो पढ़ लीजिए ये सेक्शन, उसके बाद इसको एक्सप्लेन मैं करता हूं, ठीक है। तो स्वेच्छा पूर्वक के लिए दो चीजें होनी जरूरी है सेक्शन 39 के अनुसार। पहली चीज, जो भी मींस साधन का प्रयोग वह व्यक्ति करता है, उस साधन का प्रयोग वह करना चाहता हो, उसका आशय उस साधन को प्रयोग करने का हो, तो उसे हम स्वेच्छा पूर्वक या वॉलेंटरी कहेंगे, ठीक है। दूसरा है, उसका रीजन टू बिलीव, उसको विश्वास करने का कारण हो या वह जानता हो कि जो वह कार्य कर रहा है उसका परिणाम संभावना यह है, जो उस काम करने का परिणाम होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इलुस्ट्रेशन दिया गया है, इसमें इलुस्ट्रेशन में ये क्लियर हो जाएगा आपके। इलुस्ट्रेशन है कि कोई भी व्यक्ति ए जो एक घर में रोबरी करना चाहता है, वो उस घर को आग लगा देता है, ठीक है। तो आग लगने से वहां कुछ व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहां यह समझा जाएगा कि ए ने यह कार्य, मतलब उस जहां उसकी मौत हुई है, मौत का कार्य केवल रोबरी का नहीं, मौत का भी कार्य उसने स्वेच्छा पूर्वक किया है, अपनी इच्छा से किया है। अब देखिए, इस पहली बात का मतलब है कि वो उस साधन का वह प्रयोग जिसका करता है, वह उसका प्रयोग करना चाहता है। जैसे ए ने यहां आग लगाई तो उस घर में आग लगाना ही वह चाहता है। जैसे किसी ए ने जेड का मर्डर कर दिया चाकू मारकर, तो वह चाकू का इस्तेमाल करना चाहता हो, उसका आशय चाकू के इस्तेमाल करने का ही था, उसे हम स्वेच्छा पूर्वक कहेंगे। दूसरी चीज, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण हो, उसे पता हो कि घर में आग लगने से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो और वह जानता हो कि इस कार्य का परिणाम संभवतः मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो यह ही सेक्शन 39 है, ठीक। ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि वह उस साधन का प्रयोग करना चाहता हो, उस साधन के प्रयोग करने का ही उसका आशय हो, और उसका विश्वास करने का कारण, या वह जानता हो कि इस कार्य से संभवतः यह परिणाम हो सकते हैं। तो 39 सेक्शन में इतना ही है। अगली सेक्शन पर चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41। स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि और सेक्शन 42 लोकल लॉ यानी स्थानीय विधि।
स्पेशल लोग के बारे में तो कहीं कोई एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन लोकल लॉ के बारे में एक बार राजस्थान एपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानीय विधि कहाँ लागू होगी। ठीक है, एक बार सेक्शन कर लेते हैं उसके बाद में बता दो। स्पेशल लॉ है कि जो किसी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर लॉ हो, जैसे आप देख सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट है या आर्म्स एक्ट है, तो ये स्पेशल लॉ है। ठीक है, ये स्पेशल लॉ बनाए गए हैं। और लोकल लॉ किसे कहेंगे, जैसे यूपी पुलिस एक्ट या राजस्थान पुलिस एक्ट। ठीक है, तो ये विशेष किसी विशेष जगह के लिए, जैसे असम के लिए, कोई एक्ट बनाए गए हैं, जैसे J&K के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, तो इनको कहेंगे लोकल लॉज, क्योंकि ये स्थानीय कुछ यानी पर्टिकुलर एरिया, इंडिया के कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए जो बनाए गए हों, जो इंडिया के कुछ विशेष स्थान, जो स्थान के लिए बनाए गए हों, उसको हम लोकल लॉ कहेंगे। और जो किसी पर्टिकुलर, जो कोई पर्टिकुलर लॉ है, जैसे आर्म्स एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इसको कहेंगे स्पेशल लॉ। और जो किसी स्थान विशेष के लिए बनाए गए हैं, उसको कहेंगे स्थानीय विधि लोकल लॉ। तो राजस्थान एपीओ में पूछा गया था कि स्थानीय विधि कहां लागू होती है, तो भारत के किसी विशेष स्थान या भाग, भारत के किसी विशेष भाग के लिए बनाया गया जो विधि है वो स्थानीय विधि है। और एक बार अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस सेक्शन से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनने के चांस ज्यादा है। तो ये पूछा जा सकता है लोकल लॉ किस सेक्शन में है या इस सेक्शन में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बन